इसके लिए मैंने 100 ग्राम शक्कर ली है, यहाँ पे मैंने घी लिया है, मैंने हाफ बाउल घी लिया है, और यहाँ मैंने कलर भी लिया है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मेवे लिए हैं, मैंने यहाँ गरी का यूज किया है, आप काजू किशमिश बादाम कुछ भी यूज कर सकते हैं। इलायची ली है, हाफ ग्लास मैंने पानी लिया है और सूजी ली है। अब हमें पहले कढ़ाई गर्म करनी है। जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून हमें घी डाल देना है। इसके बाद घी गर्म होने देंगे, अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी को हमें भूनना है, हम इसे 10 मिनट तक भूनेंगे जब तक हमारी सूजी का कलर चेंज ना हो जाए, इससे अच्छी सी महक ना आने लगे। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे लगातार। हम इसे 10 मिनट तक और चलाएंगे और फिर हम एक बाउल में इसे रख देंगे। अब फिर से मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी को हम गर्म होने देंगे। हमारा घी गर्म हो गया है, इसके बाद हम इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची को भी हम गोल्डन होने देंगे। इसके बाद हम पानी डाल देंगे। पानी के बाद हम यहाँ चीनी डाल देंगे और चीनी को अच्छे से चला लेंगे ताकि ये पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाए। देखिए चीनी हमारी अच्छे से डिजोल्व होने लगी। अब इसके बाद मैं कलर डाल दूंगी, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ येलो कलर यूज कर रही हूँ। ये भी हम अच्छे से चला देंगे। इसके बाद इसमें उबाल आने देंगे। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे, सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है वरना हमारा हलवा गीला हो जाता है, हमें कतलियां सेट करने में निकालने में बहुत दिक्कत जाती है। इसे हम 10 मिनट तक बंद करके पकाएंगे। जब तक हम एक प्लेट में ऑयल लगा लेंगे, आप डालडा घी या घी कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसे हम चारों ओर से अच्छे से लगा देंगे। मैं आप बाउल में भी लगा देती हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्लेट में भी लगा सकते हैं। अब हम अपना हलवा देख लेते हैं। हमारा हलवा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हलवे हमें मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। अब इसे हम निकालेंगे प्लेट में। अब इसे सेट करेंगे। देखिए अच्छे से सेट हो रहा है, सारा हलवा हम अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसकी कतलियां कट करेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छे से कट हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें पानी ज्यादा नहीं डाला था इसलिए गीला नहीं हुआ, तो अच्छे से कट हो रहा है। हमने सारी कतलियां कट कर ली। इसे अब हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद अब हम इसमें गरी लगा देंगे। देखिए हमने सारी गरी लगा दी। अब इसकी हम कद्दियां निकालेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल रही हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर में जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।